LNT सोलर पंप कंट्रोलर की SMS सुविधा। सोलर पंप कंट्रोलर के करीब करीब सारे फंक्शंस SMS के जरिए संचालित तथा मॉनिटर किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम इस सुविधा को विस्तार से जानेंगे। रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट या RMU के साथ मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन। मास्टर मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के लिए *111# मास्टर मोबाइल नंबर *3518*। ये SMS रिमोट मॉनिटरिंग यूनिट या RMU को भेजें। 3518 ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। जवाब में आने वाले SMS में नंबर के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि मिलेगी। अगर आप उसी SMS को फिर से यूनिट को भेजते हैं, तब यूनिट से जवाब में यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा SMS मिलेगा। मास्टर मोबाइल नंबर के अलावा आप अन्य 3 सेकेंडरी यूजर्स को यूनिट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर को रजिस्टर करने के लिए *112# सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर *1* ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में रजिस्ट्रेशन की पुष्टि मिलेगी। उस SMS में मास्टर तथा सेकेंडरी यूजर का मोबाइल नंबर भी रहेगा। इसी तरीके से SMS भेजकर आप दूसरे और तीसरे उपयोगकर्ताओं को भी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको SMS के अंत में 1 के बजाय क्रमशः 2 और 3 लिखना पड़ेगा। उपयोगकर्ताओं की सूची। उपयोगकर्ताओं की सूची पाने के लिए *113# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में मास्टर और दूसरे उपयोगकर्ताओं के मोबाइल नंबर शामिल रहेंगे। उपयोगकर्ता का नंबर हटाना। किसी भी रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता का नंबर हटाने के लिए *114# उपयोगकर्ता का नंबर जिसे हटाना है ये SMS यूनिट को भेजें। उदाहरण के लिए अगर आपको पहले उपयोगकर्ता का नंबर हटाना है तो *114#1* ये SMS यूनिट को भेजें। दूसरे और तीसरे उपयोगकर्ताओं के नंबर्स हटाने के लिए क्रमशः *114#2* और *114#3* ऐसे SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में हटाए हुए उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर रहेगा और सफलतापूर्वक उसके हटाए जाने की पुष्टि भी मिलेगी। इसके बाद अगर आप उपयोगकर्ताओं की सूची की जानकारी के लिए *113# ये SMS भेजेंगे तो सूची में यह नंबर नहीं रहेगा। अनजान या अनरजिस्टर्ड नंबर मास्टर नंबर बदलना। अगर RMU में किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो वो उसे 1 रिंग के बाद अपने आप काट देता है। अगर आपको इस नए नंबर को मास्टर की हैसियत से रजिस्टर करना है तो *111# प्रस्तावित मास्टर का मोबाइल नंबर *3518* ये SMS मौजूदा मास्टर नंबर से यूनिट को भेजें। यहाँ 3518 ये डिफॉल्ट पासवर्ड है। जवाब में आने वाले SMS में नए मास्टर नंबर के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि होगी। अब अगर आप यूनिट को इस नए मास्टर नंबर से कॉल करेंगे तब वो आपकी कॉल 3 रिंग्स के बाद काट देगा और पंप को चालू करेगा। साथ में वो SMS के जरिए पंप चालू होने का संकेत भी नए मास्टर नंबर पर भेजेगा। पंप को बंद करने के लिए नए मास्टर नंबर से फिर एक बार यूनिट को कॉल करें। यूनिट आपकी कॉल 6 रिंग्स के बाद काट देगा और पंप को बंद करेगा। साथ में वो SMS के जरिए पंप बंद होने का संकेत भी नए मास्टर नंबर पर भेजेगा। RMU के अंदर वाले सिम कार्ड के USSD कोड की सेटिंग। RMU के अंदर वाले सिम कार्ड के USSD कोड की सेटिंग करने के लिए *401#111*0* ये SMS यूनिट को भेजें। ये USSD कोड सिम कार्ड के सर्विस प्रोवाइडर पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए वोडाफोन के लिए ये कोड *111# है, इसीलिए हमने 111 का इस्तेमाल किया। जवाब में आने वाले SMS में USSD कोड दिनांक और समय के साथ दिया जाएगा। USSD कोड की जानकारी लेने के लिए आप यूनिट को *402# ये SMS भेज सकते हैं। जवाब में आने वाले SMS में USSD कोड दिनांक और समय के साथ दिया जाएगा। ऑटो बैलेंस मोड को इनेबल डिसेबल करना। ऑटो बैलेंस मोड को इनेबल करने के लिए
403#1* ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में ऑटो बैलेंस मोड सुविधा के इनेबल होने की पुष्टि मिलेगी और फिर हर बार 20 SMS भेजने के बाद यूनिट के अंदर वाले सिम कार्ड के बैलेंस का SMS भेजा जाएगा। इस सुविधा को डिसेबल करने के लिए *403#0* ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में सुविधा के डिसेबल होने की पुष्टि मिलेगी। इसके बाद यूनिट बैलेंस अपडेट का SMS भेजना बंद करेगा। टाइमर की सेटिंग। उपयोगकर्ता एक दिन के लिए 4 टाइमर सेट कर सकता है। पहला टाइमर सेट करने के लिए *211# चालू करने का समय, बंद करने का समय, ये SMS यूनिट को भेजें। याद रहे कि समय को घंटे और मिनटों में ही लिखना है। जवाब में आने वाले SMS में टाइमर सेटिंग की पुष्टि मिलेगी और उसमें ऑन टाइम और ऑफ टाइम भी शामिल रहेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा और चौथा टाइमर सेट कर सकते हैं। उसके लिए SMS की शुरुआत में क्रमशः 212, 213 और 214 लिखें। टाइमर की जानकारी। टाइमर्स की जानकारी लेने के लिए *210# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में सभी टाइमर्स का विवरण रहेगा और संबंधित ऑन और ऑफ टाइम भी रहेगा। टाइमर को हटाना। टाइमर को हटाने के लिए *222#1* ये SMS यूनिट को भेजें। इसमें 1 का मतलब है पहला टाइमर। जवाब में आने वाले SMS में पहले टाइमर के हटाए जाने की पुष्टि दिनांक और समय के साथ दी जाएगी। इसी तरीके से आप बाकी 3 टाइमर्स को भी क्रमशः *222#2* या *222#3* या *222#4* ऐसे SMS भेजकर हटा सकते हैं। कंट्रोलर का स्थान। सोलर कंट्रोलर के GPS कोऑर्डिनेट्स की जानकारी लेने के लिए *310# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में सोलर कंट्रोलर के सटीक स्थान की जानकारी देने वाली Google मैप लिंक शामिल रहेगी। MPPT सेटिंग्स की जानकारी। MPPT सेटिंग्स की जानकारी लेने के लिए *120# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में VOC वोल्टेज, VMP वोल्टेज, VMP गेन, VMP ref, तापमान, P गेन और I गेन का विवरण शामिल होगा। ड्राइव पैरामीटर्स की जानकारी। ड्राइव पैरामीटर्स की जानकारी लेने के लिए *130# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में पंप का स्टेटस, मोड, फ्रीक्वेंसी, VOL, करंट, RPM और मोटर के घूमने की दिशा इनका विवरण रहेगा। प्रोटेक्शन पैरामीटर्स की जानकारी। प्रोटेक्शन पैरामीटर्स की जानकारी लेने के लिए *140# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में MPP फ्रीक्वेंसी हाई, MPP फ्रीक्वेंसी लो, स्लीप फ्रीक्वेंसी, स्लीप डिले टाइम, ड्राई रन फ्रीक्वेंसी और ड्राई रन टाइम की जानकारी शामिल होगी। ड्राइव के रन टाइम पैरामीटर्स की जानकारी। ड्राइव के रन टाइम पैरामीटर्स की जानकारी लेने के लिए *150# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में पंप का स्टेटस, मोड, करंट DC लिंक वोल्टेज, RPM, पावर, एनर्जी, यूनिट कितने समय से चल रहा है, कंट्रोलर कितने समय से चल रहा है तथा तापमान संबंधी जानकारी शामिल रहेगी। मोटर के पैरामीटर्स की जानकारी। मोटर के पैरामीटर्स की जानकारी लेने के लिए *160# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में मोटर का प्रकार, मोटर में पोल्स की संख्या, मोटर का रेटेड करंट, कार्य क्षमता, नो लोड करंट, कैरियर फ्रीक्वेंसी तथा VF पैटर्न की जानकारी शामिल होगी। SMS सुविधा के जरिए पैरामीटर्स की सेटिंग। आइए अब हम देखते हैं कि SMS सुविधा के जरिए हम अलग अलग पैरामीटर्स की सेटिंग कैसे करते हैं। पंप चालू करना। पंप चालू करने के लिए *001# ये SMS यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले SMS में पंप की स्टेटस यानी
चालू, मोड, डीसी लिंक वोल्टेज, मोटर के घूमने की दिशा, तापमान, ऑन टाइम, रन टाइम और समय, इनकी जानकारी समय के साथ शामिल रहती है। अगर आप दोबारा वही एसएमएस यूनिट को भेजेंगे तब जवाब में आने वाला एसएमएस पंप पहले से चालू रहने की पुष्टि करेगा और उसमें बाकी सभी पैरामीटर्स पिछले एसएमएस की तरह ही रहेंगे। पंप बंद करना। पंप बंद करने के लिए *000# ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाला एसएमएस थोड़ी देरी से आएगा क्योंकि मोटर की फ्रीक्वेंसी शून्य होने के बाद आरएमयू ये मैसेज भेजता है। एसएमएस में पंप की स्टेटस यानी बंद, मोड, डीसी लिंक वोल्टेज और तापमान, इनकी जानकारी समय की मोहर के साथ शामिल रहती है। वीओसी वैल्यू की सेटिंग। वीओसी वैल्यू सेट करने के लिए *501# वीओसी वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में वीओसी की सेट वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। वीएमपी वैल्यू की सेटिंग। वीएमपी वैल्यू सेट करने के लिए *502# वीएमपी वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में वीएमपी की सेट वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। वीएमपी गेन वैल्यू की सेटिंग। वीएमपी गेन वैल्यू सेट करने के लिए *503# वीएमपी गेन वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में सेट वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। एमपीपीटी हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू की सेटिंग। एमपीपीटी हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेट करने के लिए *504# एमपीपीटी हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में ये वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। एमपीपीटी लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू की सेटिंग। एमपीपीटी लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेट करने के लिए *505# एमपीपीटी लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में ये वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। स्लीप डिले टाइम की सेटिंग। स्लीप डिले टाइम सेट करने के लिए *506# स्लीप डिले टाइम वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में ये वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। स्लीप फ्रीक्वेंसी वैल्यू की सेटिंग। स्लीप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेट करने के लिए *507# स्लीप फ्रीक्वेंसी वैल्यू *, ये एसएमएस यूनिट को भेजें। जवाब में आने वाले एसएमएस में ये वैल्यू दिनांक और समय के साथ दी जाती है। पंप के स्टेटस का एसएमएस प्राप्त होना। जब आपको एसएमएस द्वारा ये संदेश मिलता है कि पंप चालू या बंद है और उसकी वजह मैनुअल है, तब उसका मतलब होता है कि किसी ने पंप को कंट्रोल पैनल पर दिए हुए स्टार्ट स्टॉप बटन से चालू या बंद किया है। इस सुविधा के होने से उपयोगकर्ता को ये अवगत हो जाता है कि पंप की स्थिति को किसी ने मैनुअली बदल दिया है। यह एसएमएस सिर्फ मास्टर नंबर को भेजा जाता है, दूसरे उपयोगकर्ता को नहीं भेजा जाता। फॉल्ट एसएमएस प्राप्त होना। अगर आपको एसएमएस द्वारा ये संदेश मिलता है कि सिस्टम में फॉल्ट है और वोल्टेज कम है, तो उसका मतलब है कि सोलर पैनल से प्रदान किया हुआ वोल्टेज न्यूनतम जायज मात्रा से कम हो गया है और वही फॉल्ट की वजह है। जब ये वोल्टेज बढ़ जाता है और जायज मात्रा से ऊपर होता है, तब मास्टर नंबर पर एसएमएस मिलता है जिससे फॉल्ट के क्लियर होने की और ड्राइव की सप्लाई हेल्दी होने की जानकारी मिलती है। डिफॉल्ट सेटिंग या फैक्ट्री रीसेट। ड्राइव की सेटिंग डिफॉल्ट में करने के लिए *33#1* ये एसएमएस यूनिट को भेजें। अब सभी पैरामीटर्स अपने अपने डिफॉल्ट मोड में सेट हो जाएंगे। ये मूलतः फैक्ट्री सेटिंग कमांड है। जवाब में आने वाले एसएमएस में फैक्ट्री रीसेट कमांड के स्वीकार की तथा कंट्रोल पैरामीटर्स उनके डिफॉल्ट वैल्यू पर सेट होने की पुष्टि मिलेगी। पासवर्ड बदलना। पासवर्ड को सिर्फ मास्टर नंबर से ही बदला जा सकता है। इसके लिए मास्टर नंबर से *190# नया पासवर्ड *, ये एसएमएस यूनिट को भेजना है। जवाब में आने वाले एसएमएस में पासवर्ड के सफलतापूर्वक बदले जाने की पुष्टि मिलेगी।
अगर आप किसी उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रेशन गलत पासवर्ड के इस्तेमाल से करने की कोशिश करेंगे तो जवाब में आने वाले एसएमएस में पासवर्ड मिसमैच एरर ऐसा संदेश मिलेगा और आपको सही पासवर्ड के साथ एसएमएस फिर से भेजने की सूचना मिलेगी। जब आप उपयोगकर्ता के रजिस्ट्रेशन के लिए सही पासवर्ड के साथ एसएमएस भेजेंगे तो जवाब में आने वाले एसएमएस में उस नंबर के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि मिलेगी। साथ में ये भी याद रखें कि अगर आप कोई गलत एसएमएस भेजेंगे तब जवाब में आने वाले एसएमएस में रॉन्ग फॉर्मेट, इनवैलिड क्वेरी, परमिशन डिनाइड ऐसा संकेत मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपको यूजर मैनुअल चेक करना पड़ेगा।